मध्य प्रदेश रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल द्वारा इंदौर प्रेस क्लब को एक स्थगन आदेश भेजा है, जिसमें हाल ही में प्रेस क्लब कमेटी द्वारा 400 से अधिक सदस्यों को बाहर निकाले जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर स्टे मिल गया है। इंदौर प्रेस क्लब में हाल ही में साधारण सभा में 400 से अधिक सदस्यों को प्रेस क्लब से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके खिलाफ बाहर निकाले गए सदस्य राकेश द्विवेदी और वैभव शर्मा ने मध्य प्रदेश रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल में एक याचिका लगाई थी। इस याचिका में कहा गया था कि प्रेस क्लब से निकाले जाने से पहले किसी भी तरह की चेतावनी नहीं दी और 10 साल की सदस्यता होने के बाद भी अचानक बाहर कर दिया गया, जिस पर फर्म्स एंड सोसाइटी ने इंदौर प्रेस क्लब को नोटिस भेजा है, जिसमें याचिका पर स्थगन का आदेश दिया गया है। इंदौर प्रेस क्लब को आज एक आदेश प्राप्त हुआ है, स्थगन आदेश रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी मध्य प्रदेश भोपाल का, जो 26 सितंबर को जारी हुआ है। और इसमें राकेश द्विवेदी और विभव शर्मा, ये दोनों इंदौर प्रेस क्लब के सदस्य हैं, इनकी याचिका पर स्थगन आदेश जारी हुआ है। और मामला ये है कि इंदौर प्रेस क्लब की साधारण सभा ने जून में एक छानबीन समिति बनाई थी और उस छानबीन समिति को सदस्यों को लेकर एक रिपोर्ट पेश करना थी और वो रिपोर्ट समिति ने 2 माह में पेश करी थी और उस समिति ने रिपोर्ट के आधार पर लगभग 400 सदस्यों को इंदौर प्रेस क्लब की सदस्यता से बाहर कर दिया था। इस मामले में राकेश द्विवेदी और विभव शर्मा ने याचिका लगाई कि जो ये समिति बनी थी उसने इन्हें प्राकृतिक न्याय के तहत न तो कोई हटाने से पहले सूचना जारी की और न ही कोई उचित कारण बताया। तो रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी मध्य प्रदेश ने ये जो 400 सदस्यों को निकालने वाला फैसला था उसको अप्राकृतिक मानते हुए स्थगन आदेश दिया है। अब प्रेस क्लब इस मामले में विचार विमर्श कर अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।